कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसान नेताओं को अब उनका आंदोलन डगमगाता दिखाई दे रहा है। पंजाब हरियाणा को छोड़कर बाकी राज्यों से उम्मीद के मुताबिक किसानों का समर्थन नहीं मिल रहा। इस कारण वे पंजाब के किसानों को सिंगू बॉर्डर पर बुला रहे हैं। दिन ब दिन किसानों का आंदोलन क्यों फीका पड़ रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। किसान आंदोलन को जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही ये किसान आंदोलन काफी हद तक डगमगाता दिखाई दे रहा है और इस आंदोलन के बिखरने का डर खुद किसान नेताओं को सताने लगा है, जिसकी वजह से अब ये नेता मंच से किसानों को दिल्ली में जुटने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि आंदोलन में दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के ज्यादा किसान शामिल नहीं हो रहे हैं। ऐसे में दिल्ली को घेरने और केंद्र पर दबाव बनाने के लिए किसान नेता मंच से पंजाब से किसानों को बुलाने की अपील कर रहे हैं। इससे पहले भी संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य भी पंजाब के हर गांव से कम 10 युवाओं को दिल्ली की ओर कूच करने की अपील कर चुके हैं। बावजूद उसके भी अब कुछ किसान संगठन इस आंदोलन से किनारा कर रहे हैं। वैसे तो इन किसानों को विपक्षी पार्टियों का समर्थन भरपूर मिल रहा है, कुछ वामपंथी भी इनके आंदोलन में शामिल हो गए हैं और किसान आंदोलन के जरिए देश में दंगे भड़काने की कोशिशों में लगे हैं, जिससे इस किसान आंदोलन ने अलग ही मोड़ ले लिया है। कुछ किसानों के आंदोलन से दूर होने की बड़ी वजह ये भी है कि कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा यह आंदोलन लंबा खींचे जाने से अब प्रदर्शनकारी भी परेशान होने लगे हैं। घर परिवार से दूर ये किसान सिंघू बॉर्डर पर पिछले 18 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन खत्म होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में यहाँ कई किसानों को अब अपने घर वापसी, कामकाज और स्वजन की चिंता सता रही है। खुले आसमान के नीचे ठंड में बैठकर आंदोलन करना बीमारी को दावत देने जैसा हो गया है, जिससे परेशान होकर किसानों ने आंदोलन से किनारा कर अपने घर का रुख कर लिया है। काफी हद तक किसानों का यह आंदोलन डगमगा गया है। वैसे तो अभी भी जिन किसानों को वामपंथियों और खालिस्तानियों का साथ मिल रहा है वो केंद्र सरकार को घेरने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि किसान आंदोलन को जरिया बनाकर खालिस्तानी और वामपंथी अपनी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिशों में लगे हैं। लेकिन सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है, जिसकी वजह से ये खालिस्तानी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। पिछले 18 दिनों से किसानों का दिल्ली में आंदोलन जारी है। सरकार के समझाने के बाद भी किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे जैसे आंदोलन को दिन बढ़ रहे हैं किसान आंदोलन डगमगाता जा रहा है। किसान नेता मंच से बार बार दिल्ली में किसानों से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों के किसान अभी भी किनारा किए हुए हैं, जिससे वामपंथियों और खालिस्तानियों की शह पर चल रहा आंदोलन और केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति फेल होती नजर आ रही है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।